शहर में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद शहर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इस बीच दंगाइयों को चिन्हित कर गिरफ्तारियां की जा रही है। पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही पर सवाल भी उठ रहे हैं। गुरुवार को मुस्लिम समाज सदर अल्ताफ आजाद एवं महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंची। यहां प्रभारी एसपी अंकित जायसवाल को शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस कार्यवाही पर सवाल खड़े किए। सदर आजाद ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में काम करते हुए कई निर्दोष लोगों को दंगाई बताकर गिरफ्तार कर रही है। उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के जिन लोगों के घर जले उन्हें भी पुलिस आरोपी बना रही है, जबकि वे लोग अपने जलते घरों और दंगाइयों से खुद का बचाव कर रहे थे। पुलिस किसी दबाव में कार्यवाही न करे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। असल में 10 तारीख के फसादात में जिन लोगों के घर जले हैं, कल एक सोशल मीडिया पे लिस्ट ओपन हुई थी, उसमें उन लोगों के ही नाम, उनके पड़ोसियों ने जल्दबाजी में जिनका नुकसान हुआ, जबकि एक साथी हैं दिलावर भाई, एक साथी हैं अकबर भाई, इनका लगभग 10 से 20 लाख रुपए का टोटल, एक अनुमानित, कम से कम मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, उनका नुकसान हुआ और ना वो कभी दंगा ही रहे। अब कल उसके कारण उनका नाम कहीं दिखाई दिया तो वो उनका नुकसान हुआ, उनके परिजन कह रहे हैं कि हमारे ही नुकसान हुआ, हमारी FIR नहीं हुई है और साथ में हम लोगों का ही नाम FIR में। और इसी तरह उस गौशाला मार्ग पे लगभग 5-7 लोग ऐसे हैं कि जिनके नुकसान दंगाइयों ने आगजनी या लूटपाट करने की कोशिश, घर में भराने की कोशिश की और उन्हीं लोगों का नाम FIR में है। तो वो SP साहब से अभी मिले हैं और SP साहब ने इन सबको, उनके परिजन आए थे, उन सबको आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अगर उनका नाम नहीं है दंगाई में या पत्थर फेंकता हो फुटेज में तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। हम इसलिए मिले हैं कि ये जो अभी हमारे घर पे हमारे ये भाई है दिलावर साहब, इनके यहाँ मतलब चारा जला दिया इनका और भाई के जो भी नुकसान हुआ 10 से 20 लाख के समथिंग है ना, उसके लिए हम आए हैं। ऊपर से इनको, हमको रोजे में इनको घर से बेघर कर दिया है। ये सड़क पे रोजा रख के बैठे थे सब, इनको रोजा खोलने की भी मोहलत नहीं। यहाँ पर इनके घर पे पथराव हुए, आगजनी हुई है और ऊपर से इनको प्रताड़ित किया गया है। ऊपर से इनकी मतलब FIR भी दर्ज करवाई है इन लोगों की। और जबकि ये है ना, मस्जिद में से बस नमाज पढ़ के आए थे 5-5:30 बजे के समथिंग की बात है और इनकी FIR दर्ज हुई कि इन्होंने आग भी जले और FIR उनके खिलाफ करी है, कर दी गई है। तो हम ये रिक्वेस्ट लेके आए थे SP साहब के साथ कि हमारी भी सुनवाई हो, क्योंकि हम रोजे में, हमारे इतना पाक महीने में हम घर से बाहर हैं। यहाँ इन लोग घर से बेघर हैं, कम से कम 8-10 लेडीज़ हैं, इनका पूरा बाड़ा है, पूरे बाड़े को नुकसान किया गया है, पथराव किए गए हैं और अब ये जाने में भी डर रहे हैं क्योंकि ये लोग अपने घर जा रहे हैं तो इन पर पथराव फिर शुरू हो जा रहे हैं। अभी आप SP साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप अपने घर जाइए, रहिए, हम प्रोटेक्शन देंगे, अगर डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने हमें मतलब आश्वासन दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम निषाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।